नमस्कार, मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज केक काटकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 5वीं वर्षगांठ के समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पे अलग अलग कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और कहा कि पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एक संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत है और उपेंद्र कुशवाहा जी से इस मामले में हम डिटेल से पहले बात करेंगे। 5 साल का सफर हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता साथी हैं, पार्टी के नेता हैं और समर्थक जो जनता है, उनकी बदौलत काफी हमने उपलब्धियां हासिल की है। पार्टी ने एक मुकाम हासिल किया है, खासकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त रूप से हस्तक्षेप किया है और देश भर में भी एक संदेश देने में हमको कामयाबी मिली है। तो इस अवसर पे हम तमाम वैसे लोग, पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों या आम जनता, सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। इस स्थापना दिवस के लिए सब लोगों को बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से पार्टी समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, सामाजिक न्याय से वंचित लोग हैं, उनके लिए काम करेगी और उनको न्याय दिलाने में हम सब लोगों को कामयाबी हासिल होगी। देखिए, यह बात ठीक है कि टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ही तेज गति से हुआ है और हो रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। यह बात ठीक है कि महात्मा फुले साहब के मानने वाले जो लोग हैं, गांव में दलित पिछड़े शोषित समाज के लोग हैं, उनकी पहुंच अभी तक सोशल मीडिया में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। हमारी कोशिश होगी आगे कि हर तरह से उनको जागरूक किया जाए, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके विचारों को हर व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश में सब लोग लगे रहें। इस बात का प्रयास पार्टी करते रहेगी और आगे हम उम्मीद करते हैं कि सब लोगों की कोशिश के बल पे हम निश्चित रूप से मुकाम तक पहुंचेंगे। देखिए, आरक्षण तो तब तक रहेगा जब तक लोगों को, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने में कामयाबी नहीं मिल जाएगी। ओबीसी, दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, इन लोगों का प्रतिनिधित्व हर जगह अभी जितना होना चाहिए नहीं है। चाहे जुडिशियरी का सेक्टर हो या फिर सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या का मामला हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मीडिया हो, इनका प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं हो पाया है और जब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जहां तक एनडीए में रहने का सवाल है तो इसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत कयास है। हम लोग एनडीए में पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ रहेंगे। हम अपनी पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे जिस रूप में भी हमारी कठिनाई कुछ हो सकती है, लेकिन उन कठिनाइयों को झेलते हुए हम हर तरह से अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, हम युवाओं से कहना चाहेंगे, खास करके जो सोशल जस्टिस के दायरे से आने वाले युवा हैं, लोग गुमराह न हो, दिग्भ्रमित न हो। कुछ लोग जानबूझकर दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और कई बार सच्चाई होती है, लेकिन कई बार सच्चाई नहीं भी होती है, फिर भी लोग सड़क पर उतर आते हैं, कैंपेन चलाने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। पूरी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी खुद सोशल जस्टिस के दायरे से आने वाले हैं, तो लोगों को भरोसा करना चाहिए। हमको लगता है कि जो कुछ भी होगा बेहतर होगा, लोगों को भरोसा रखना।